बस गुरुजी, जैसे कि जो हम आप कहते हैं कि आत्मदर्शन को इस संसार से मतलब नहीं रखना चाहिए, जैसे हाँ। कि आप खुद आत्मदर्शन दर्शन कर चुके हैं हाँ। फिर भी आप संसार के लिए चाहते कि मैं इस संसार को कुछ कितना दे दूं कि ताकि हमारा संसार अजर रहे, अमर रहे, हमारे इस भारतवर्ष की युवा आत्मदर्शन कर पाए, भक्ति कर पाए, आगे बढ़ पाए। कि आत्मदर्शन जो लोग कर चुके हैं, क्या उनको इस संसार से मतलब रखना चाहिए? देखिए, जो आत्मदर्शी लोग हैं वो इस संसार से मतलब नहीं रखे हुए, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है दूसरी आत्माओं का उत्थान करना, है ना। इसलिए बहुत सारे महात्मा मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं ताकि वो लोग ऊपर उठे, वो आत्मदर्शी हों। क्यों देते हैं? उनको क्या मतलब गृहस्थियों से? महात्मा तो खुद सन्यासी था और गृहस्थों में घुस गया, उनको सबको मंत्र दे रहा है, गुरु मंत्र दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों भारत के मनीषियों को, सिद्धों को, भगवान शंकराचार्य को यह बताने की जरूरत पड़ी, क्या कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? क्यों पड़ी बताइए मुझे, क्या जरूरत थी? आत्मदर्शन किया चलते बनते यहां से। तो वो सब दूसरी जो अन्य आत्माएं हैं जो अपने विषय से मूल से भटक गई हैं, ठीक है ना, और विषयों में लीन हो गई हैं और मूल यानी कि उत्स को छोड़ दिया है, जहां से उनका सर्जन हुआ है उसको छोड़ दिया है, उस तत्व को, तो वो उनके बारे में उनको बताते हैं। तो फिर मनु भैया क्या अलग है? वैसे तो मैं मानता हूं कि इस समय भारत में कोई सन्यासी नहीं है, एक भी सन्यासी भारत में नहीं है, ये मैं कहता हूं। सन्यासी का तात्पर्य ये है जो जंगल में हो और जिसके पास कोपीन तक ना हो और जो पत्ते लपेटे हो अंग पे, और तब तक भगवान का भजन करे जब तक उसका शरीर कृशकाय ना हो जाए, कोई जीव ना खा जाए या किसी जीव के काम ना आ जाए, या ऐसे ही मिट्टी का ढेर ना बन जाए नाम जाप करते करते। क्योंकि जितने भी आज के युग में सन्यासी हैं, सबके पास एसी है, सबके पास वही गृहस्थों के द्वारा बनाए गए कपड़े हैं, सबके पास नए नए बर्तन हैं, सबके पास रोटियां पकाने के लिए वही तए हैं जो भारत के गृहस्थों ने बनाए, सबके पास वही मटके हैं, ठीक है। अब उनके पास कहीं घीये का खोल नहीं मिलता, कहीं पेठे का खोल नहीं मिलता, ठीक है, और वो संसार में ही विचरण करते हैं। तो इसलिए सन्यास की तो बात अब भूल जाइएगा, क्योंकि जो सन्यास लिए हुए हैं वो भी ग्रस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे बेटा बेटा करते हैं। क्या करते हैं? बेटा बेटा। मैं तो ये मानता हूं भगवान ही ग्रस्त है, तब सन्यासी कौन? नहीं समझे? जब भगवान ही ग्रस्त है तो उनके बनाए हुए सभी ग्रस्त हैं, क्योंकि सब ग्रस्तों का उपयोग कर रहे हैं, वहीं से वो उपभोग की सामग्रियां ले रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का ग्रहण कर रहे हैं। तब सन्यास तो ग्रहण किया ही नहीं किसी ने, क्योंकि जो मूल सन्यास ग्रहण करता है वो इस समाज का नहीं रहता, वो केवल जंगल के हवाले हो जाता है, केवल वो उस तिब्बत के हवाले हो जाता है जहाँ केवल बर्फ पड़ती है और गुफा में बैठ कर जहाँ वो अपनी माला जपता है, वो आत्मदर्शी होके इस शरीर से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकालकर, आज्ञा चक्र से निकालकर सदा के लिए उसका हो जाता है। लेकिन बहुत सारे महात्माओं ने आत्मज्ञान की बातें बताई हैं। क्यों बताई हैं? ताकि अन्य आत्माएं भी जो जीव इस पृथ्वी लोक पर हैं वो भी पार उतर जाएं। और इसमें बड़ा रोल निभाया है कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, और भगवान शंकराचार्य ने, वेद व्यास जी ने, हमारे चारों वेद के जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, उन्होंने, याज्ञवल्क्य जी ने, वशिष्ठ मुनि ने, है ना, तो वो जितने भी मुनि, अगस्त मुनि ने, जितने भी मुनि हुए हैं, विश्वामित्र ने, जितने भी मुनि ऋषि हुए हैं, वो उनके द्वारा भारत में यही पीढ़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसलिए हम सब लोग नाम ग्रहण करते हैं ताकि अपने उत्स को जान पाएं। और नाम ग्रहण करने की महत्ता ये है, अगर नाम कदापि ग्रहण भी ना कर पाओ तो शरीर के अंदर एक नाद आता है और उस नाद में वो प्रत्येक शरीर में है, जब आप एकांत में जाएंगे तब वो अपने आप सुनाई देने लग जाएगा, वो गंभीर वाणी है भगवान की, उस वाणी को सुनते सुनते आपका कल्याण हो जाता है। आंखें बंद करके बाह्य जो अंधेरा है और जो अंतर में अंधेरा है वो मिट जाता है सदा के लिए, और आप अपने उसको प्राप्त कर लेते हैं, आप आत्मदर्शी हो जाते हैं। फिर एक समय में आंखें बंद करके कदापि अंधेरा दिखाई नहीं देता है, तब उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है, ऐसे भी अपने उत्स को जाना जा सकता है। इसके लिए आप कबीरदास की संतोष सहज समाधि भली,
है ना, गुरु प्रताप जा दिन से निकसी दिन दिन अधिक चली, ये वाला छंद पढ़ सकते हो। लेकिन गुरु प्रताप क्या है, आत्म प्रताप ही गुरु है। मैं आत्मा को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसके मिले बिना कल्याण नहीं होगा, वही गुरु है। शरीरधारी अब कोई गुरु रहा नहीं है, क्योंकि जो शरीरधारी है वो स्वार्थी और लोभी है, वो आपकी सेवा चाहता है, वो आपका धन चाहता है। किसी दिन कम आया तो उसकी चिंताएं हो जाएंगी, किसी दिन बढ़ गया तो वो खुश हो जाएगा, ऐसा चाहता है वो। बताइए, जय शनिदेव, जय शनिदेव।